दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल प्रेम बोलो आपका स्वागत है। जो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, हमारे रेगुलरिटी के साथ चल रहा है। दसवीं क्लास में जो परसेंटेज जो प्रश्नावली चल रही है वो अपनी चल रही है भाई, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है। उसमें हमने 7.1 में 23 क्वेश्चन करवा दिए थे और 24वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बोर्ड की तरफ चलते हैं अपन। ये अपना 24वां क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ, इसको देखो दोस्तों करवाना। तो देखो भाई कि सबसे पहले अपन को क्या है कि जो अपन मान है उनको याद करना है। मैंने पहली बार पहले भी बोला था कि आपको सबसे पहले जो पहली क्लास हुई थी अपनी त्रिकोणमितीय अनुपात की, उसकी जो सारणी बनवाई थी उसको आप अच्छी तरह से याद कर लो, तो इन क्वेश्चनों को हल करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। देखो दोस्तों, तो 1+ लिखा हुआ है, फिर अपन ने बोला कोट को क्या कह सकते हैं भाई, कोस थीटा बटे साइन थीटा कह सकते हैं भाई, प्लस टेन थीटा को हम कहेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा कह देंगे। इस पर कुछ भी नहीं है, तो एक मान हमने दोस्तों, और फिर हमने यहाँ पे लिया अपन ने लघुत्तम लिया पे, इसकी बात करें पहले दोस्त, फिर अपन ने साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम ले लिया, तो फिर क्या गया भाई, इधर हो गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन गया तो भाई कोस उपचार हो गया, तो ये कोस उपचार थीटा प्लस साइन उपचार थीटा ये वाला हो गया भाई पूरा। उसके बाद इस वाले पोर्शन की बात करते भाई, जो ये अपना लिखा हुआ है भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया भाई, इसको इस प्रकार से अपन लिख देंगे भाई। अब जो नीचे वाला ये, इसको क्या लिखेंगे भाई, अब हम सेक्सर थीटा को क्या लिख सकते भाई, वन बाई कॉस इक्सर लिख सकते, तो ये पावर 3 है, तो इसको हम लिख देंगे भाई वन बाई, तो ये हो गया भाई कॉस 3 माइनस लिखा हो वन बाई कोसेक 3। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसका लघुत्तम लेते हैं, ये साइन हो जाएगा भाई, तो ये दोस्तों साइन की पावर 3 हो गया है। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं दोस्तों। जो अब इसका भी लघुत्तम लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं भाई, इसका भी लघुत्तम लेते तो देखते अब, तो देखो दोस्तों कुछ बात आ गई थी इसलिए, फिर अपन क्या करें भाई, इसका अपन क्या ले लेते लघुत्तम, इसका अपन ने लघुत्तम लिया तो क्या आया भाई, कॉस की पावर 3 थीटा माइनस, तो यहां पे नहीं आता तुझे पता हो भाई, तो अपन ने ये लिया 3 थीटा, तो ये कॉस गया तो भाई साइन बच गया, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा बच जाता, ये बच जाता है दोस्तों। अब अपन क्या करते भाई कि देखो दोस्तों, ए की पावर 3 होता है माइनस बी की पावर 3 होता है, तो इसको कैसे खोलते भाई, एक बार तो भाई इसको ए माइनस बी लिखा, उसके बाद ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 प्लस ए बी ये होता है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद अब क्या करते भाई, देखो अपन को यहां लिखना भाई कि भाई इसका मान था साइन उपचार प्लस कोस उपचार बराबर 1 होता है, तो अपन क्या लिख देंगे भाई 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ये हो गया, अभी दर्जे भाई ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये अपन ने ऊपर का काम कर लिया। अब इसको कैसे लिखना भाई, इसकी बात अपन देखो भाई, तो ए एक बार ये लिखेंगे अपन भाई, इसको कैसे लिखेंगे, एक बार तो साइन को इक्वल करना, उसके बाद अपन को क्यू में लिखनी वैल्यू, तो देखो भाई कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद भाई साइन इक्वल थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाती है भाई। अब ये वैल्यू आ जाने के बाद अपन क्या करते भाई, अब सॉरी प्लस आया भाई, ये वैल्यू अपने पास में आ जाती है और नीचे अपन को ये दे रखा है। और दोस्तों इसके नीचे भी अपन को ये दे रखा है, ये बड़ा वाला जो अपन बटे में लिखा है और फिर इसके नीचे अपन को दे रखा था भाई कॉस की पावर थ्री थीटा और ये साइन पावर थ्री, ये दे रखा है। तो दोस्तों अब कैसे करेंगे अपन भाई, ये वाला भाग में हो गया तो ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये वाला ऊपर गया तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये वैल्यू तो ऐसे की ऐसे वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या लिखा होगा भाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है बटे में। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अपन गुणा का चिन्ह लगा दी, क्या लगा दिया गुणा का चिन्ह लगाया तो ऊपर लिखी भाई कॉस की पावर थ्री थीटा साइन की पावर थ्री थीटा, ये हो जाता है। अब क्या करेंगे भाई, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी भाई, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, कैसे आएगी भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बराबर भाई एक होता है, तो अपन एक लिखेंगे और एक को किसी से जोड़ते तो भाई ये वन प्लस हो जाएगा और ये लिखा हुआ है थीटा कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है दोस्तों। अब इसको कैसे करना है अपन को देखो भाई, कि वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये कट गया भाई, वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर ये साइन थीटा वन माइनस, ये कट गया भाई। अब अपन के पास में क्या बचा भाई, तो देखो भाई ऊपर तो बचा भाई कॉस की पावर थ्री थीटा साइन की पावर थ्री थीटा, और जो नीचे बचा भाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा दोस्तों। अब भाई अपन भाग देंगे या फिर काट लो भाई, अपन ने काटा तो क्या बचा भाई, क्या बचा भाई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास बचा भाई और ये अपन को चाहिए। इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, हालांकि इसमें थोड़ा टफ है, लेकिन अपन को जो मान है ना भाई, अपन ने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा, एक लिखा भाई लिखा। तो इस प्रकार से अपन को ये अपन ने उनकी वैल्यू अपन ने यहाँ पुट अप कर दी थी, इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब देखे दोस्तों अगला क्वेश्चन, अपन देखते भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों अपन को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कि भाई ऐसा वैल्यू दे रखा है अपन को कि दोनों में समान हो, उसका हम लघुत्तम ले लेते भाई। तो देखो भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, तो अपन को ये मान भी निकालना है, इस मान को याद करने के बाद अपन को ये वाला मान निकालना। तो इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, पूरे तीन क्वेश्चन दे रखा भाई, तीन क्वेश्चन को हल करने के बाद में वो अपना तीसरा पद आ जाएगा। देख दोस्तों, तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से अपन दोनों में से एक कॉमन ले लेते भाई। तो अपन ने जो कॉमन लिया वो क्या लिया भाई, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो ये वाला ले लिया। अब अपन इसको ले लेते भाई कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अपन क्या करते हैं भाई दोनों को ही कॉमन ले लेते हैं। जब दोनों को कॉमन ले लेते हैं
तो देखो दोस्तों, ये कॉमन लेने के बाद में अपन क्या करते हैं, ये वाला तो इससे कट जाएगा तो ये बचा, तो ये शेयर में दो एक शेयर हो जाएगा भाई। देखो भाई, साइन एक स्वार थीटा या फिर हम उनको कह सकते साइन प्लस कॉस थीटा की पावर दो चना प्लस है भाई। अभी प्लस से प्लस कट गया तो माइनस बचा भाई, तो फन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर दो भाई। अब देखो भाई, अपन को क्या हो गया कि अपन लिखते ए की प्लस बी की पावर दो लिखते हैं भाई, ए प्लस बी की पावर दो को कैसे लिखते हैं भाई, देखो कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखते हैं भाई। इस प्रकार से अपन को ये पुटअप करना पड़ेगा जब ही अपन का आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, तो भाई ए लिखा हुआ है तो भाई अपन ने इसको क्या किया, साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे भाई, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली तो ये वैल्यू आ गई भाई। अब ये वाली देखो भाई, प्लस का चिन्ह लगाया अपन ने कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा, इस प्रकार से अपन ने इसको लिखा भाई। अब जो नीचे क्या बचा भाई, दोस्तों ध्यान से लो, कुछ नहीं बस ये वाली वैल्यू पुटअप करी अपन भाई। ए का मान था भाई अपन ने साइन माना भाई, बी का मान अपन ने कोस माना, तो ए का अपन ने एक एक्सवायर लिखा तो अपन ने साइन एक्सवायर लिख दिया, प्लस बी को मान अपन ने बी कॉस माना था तो बी का अपन ने क्या लिख दिया भाई, कॉस एक्सवायर थीटा प्लस दो इसे लिखा है, ए अपना साइन था बी अपना कॉस था, बस कुछ नहीं किया, बस वो अपन सूत्र था उसके माध्यम से अपने यहाँ पे लिख दिया भाई। अब इसको अपन साइन गुणा साइन कर दे तो भाई साइन एक्सवायर थीटा हो जाएगा। तो देखो भाई, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो अब कैसे करेंगे, देखो भाई अपन के ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो भाई प्लस माइनस कट जाते हैं तो भाई ये कट गया, ये क्या हो गया कट गया भाई। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो क्या हो गया भाई, दो हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, दो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये लिखा भाई। और नीचे क्या लिख देंगे अपन, साइन थीटा एक्सवायर माइनस कोस एक्सवायर थीटा। अब भाई साइन थीटा एक्सवायर प्लस कोस थीटा एक्सवायर जब हम एक लिख देते भाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, दो बटे साइन की थीटा प्लस कॉस एक्सवायर थीटा, ये अपना कौन सा आ गया भाई, कोई सा नहीं आया। तो देखो भाई अपन क्या करेंगे कि साइन एक्सवायर थीटा बराबर क्या होता भाई, साइन एक्सवायर थीटा प्लस बराबर क्या होता भाई, वन माइनस कॉस एक्सवायर थीटा होता है, और कॉस एक्सवायर थीटा की जगह क्या लिख सकते अपन भाई, वन माइनस साइन एक्सवायर थीटा, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। तो देखो भाई, दो तो ऊपर अपन लिखाई,
अपन पहले क्या करते हैं, साइन की जगह ले देते हैं, तो वन माइनस साइन की जगह लेते भाई, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई क्या हो गया भाई, दो तो ऊपर अपना आ ही गया है, एक और एक दो, तो वन माइनस भाई टू कॉस स्क्वायर थीटा भाई, कौन सा पद आ गया भाई, पहला वाला, ये कौन सा पद आ गया अपना, मध्य पद निकल के आ गया भाई। अब देखो दोस्तों कि अपन को दे रखा था, यहां पे लिख देता हूं मैं भाई कि दो तो ऊपर अपन को दे रखा है, दो तो ऊपर अपन को दे रखा है, तो अपन साइन की जगह लिख दे तो कॉस की जगह लिख लेते भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, ये लिखा दोस्तों, क्या लिखा अपन ने, वन माइनस साइन थीटा। तो कैसे करेंगे भाई, कॉस की जगह वन माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस की जगह अपन ने वन माइनस साइन थीटा लिखा भाई। तो देखो लिखने के बाद अब क्या होता भाई, जो अपन ने लिखा है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बड़े, तो इस प्रकार को हम लिख सकते भाई, देख लिखा भाई, लिख दिया, तो एक और एक दो तो हो जाता है, तो अपन के आंसर जो निकल के आया भाई, दो बटे एक साइन और एक साइन, दो साइन हो गया, टू साइन थीटा माइनस वन, यही तो अपन को वैल्यू प्रूफ करनी थी भाई, और ये पे यहां पे अपन ने प्रूफ किया। तो भाई देखो एक बार दोबारा बताता हूं मैं, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा रिपीट करवाता हूं। अपन ने क्या किया भाई, यहां से लघुत्तम लिया, दोनों चीजों को ले लिया भाई, कोई नहीं ये समान, तो दोनों चीजों को लघुत्तम अपन ले सकते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में क्या किया भाई अपन ने, कि जो साइन से तो साइन कट गया था भाई, देखो साइन से साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो प्लस वाला बच गया, और ये किए तो स्क्वायर कर दिया अपन ने, फिर यहां पे अपन स्क्वायर कर दिया, तो अपन ए प्लस बी को हॉल में उठती, मतलब ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, क्या होता है, टू ए बी होता है, तो ए बराबर अपन ने साइन माना और बी बराबर अपन ने कॉस माना भाई, ए बराबर साइन बी बराबर कॉस माना, तो देखो आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद अपन वैल्यू पुटअप करते चले गए भाई, कि ए की पावर दो लिखा हुआ है, तो अपन ए बराबर साइन मानता, तो साइन की पावर दो लिखा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और नीचे भाई इनको गुणा किया, साइन से साइन साइन किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस गुणा प्लस करते भाई प्लस माइनस आता है, क्योंकि जो पहली संख्या होती है उससे गुणा करने पर जो दूसरी संख्या होती है वही अपना आंसर आ जाता है। इस प्रकार से अपना आंसर माइनस आ गया, फिर अपन कॉस स्क्वायर किया तो ये हो गया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है, टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस टू कॉस साइन थीटा, तो इसको अपन ने काटा एक और एक दो, तो दो हो गया भाई, दो अपन ने बाहर ले गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिया। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग करने के बाद भाई अपन को ये प्राप्त हुआ, फिर अपन साइन थीटा के साथ प्लस कॉस थीटा के साथ अपन एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह अपन एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा के साथ प्लस कॉस थीटा के साथ एक लिख सकते हैं, साइन के साथ प्लस कॉस थीटा अपन एक लिख सकते हैं, तो वो अपन ने यहां पे लिखा भाई साइन से कॉस थीटा प्लस एक लिखा, तो ये दो हो गया। अब एक को कितने से भी गुणा करो भाई, आंसर तो अपना एक ही आएगा। फिर बाद में अपन क्या करता भाई, कि साइन थीटा एक सर बराबर क्या आता भाई, वन माइनस कॉस थीटा, और कॉस कॉस थीटा बराबर आता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन ने प्रिटअप की, और फिर आधा अपना ये आंसर आ गया। इस प्रकार से अपन को निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब देखते अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
26 अपन पहला वाला ही शेड्यूल अपना कि मान याद है तो अपन करेंगे, अदरवाइज अपन संशय स्थिति में रह जाएंगे। तो बार बार कह रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में कह रहा हूँ कि अपन को भाई जो मैंने सूत्र लिखवाए थे उन सूत्रों को आप अच्छी तरह याद करेंगे तो उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीका से आसान बनाकर आंसर लेके आ जाएंगे और अपने एग्जाम के अंदर 6 में से 6 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि भाई सर्वसम्मिका 6 नंबर की आती है। और क्वेश्चन नंबर और बता देता भाई, क्वेश्चन नंबर 27 एग्जाम के अंदर भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन सर्वसम्मिका का 27वां क्वेश्चन होगा। देखते क्वेश्चन तरफ कि अपन ने लिखा भाई ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा थीटा नहीं छोड़ी एल दी दी गया है, 1 - tan A की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan बराबर क्या होता है भाई sin A, तो अपन ने लिखा sin A / cos A + sin A 1 - cot को क्या लिखते हैं भाई, cot को लिखते अपन cos A / sin A लिखा है, ये अपन ने लिख दिया तो भाई क्या लग रहा है, लघुत्तम ले लेते हैं इनका, तो अपने इनका लघुत्तम दिया भाई कुछ नहीं तो A माना, तो cos A इसका लघुत्तम आ गया, तो ये क्या हो गया भाई cos A - sin A हो गया, प्लस इसका लिया तो मैंने क्या आ गया भाई ये sin A आ गया, sin A - cos E आ गया, ये वैल्यू आ चुकी है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे भाई कि इसकी जगह अपन इसको उल्टा कर देते हैं, तो देखो भाई cos लिखा हुआ है भाई cos A / A खुड़ा है, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो cos A - sin A प्लस ये ऊपर ले जाएंगे, ये sin है तो sin A / 1, फिर अपन ने लिखा है इसको ये वाले को उल्टा sin A - cos A लिखा है। अब ये लिखने के बाद अपन को क्या महसूस हो रहा भाई, किस प्रकार से अपन उसको करेंगे, देखो दोस्तों कि sin cos लिखा हुआ है, cos होना cos किया तो क्या आ गया भाई cos स्क्वायर हो जाता है, तो देखो भाई cos स्क्वायर A हो गया बटे में ये अपना है cos A - sin A प्लस आ गया, ये हो गया भाई sin A - cos A। इस प्रकार से अपना जो आंसर है, अभी ऐसा मत सोचिए कि आंसर आ गया, आंसर नहीं आया अभी, तो ये तो भाई अपन ने लिखा है, अब इसको अपन लघुत्तम यहां लेते हैं, अब नीचे लघुत्तम लेते हैं तो क्या आ जाता है भाई, नीचे लघुत्तम लेने पर क्या आएगा भाई, ये जल्दी बता दो भाई, भाई इसको बताओ भाई, अभी मैं ही बता दूंगा पूरा क्वेश्चन, तो तुम क्या करेंगे भाई, तुम क्या लोग, तुम तो भी तो कुछ करेंगे, तो एक बार एक क्वेश्चन को कर को देखो भाई, मैं तो बताऊं भाई, करो जल्दी, अबे यार भाई इतना देखने में क्या क्या कुछ कमी रह गई या फिर क्या रह गया भाई, देखो भाई इधर अपन लघुत्तम ले लेते भाई, दिख तो रिया इधर देख भाई, sin A - cos A अपने लघुत्तम लिया तो क्या जाएगा भाई इधर cos A + cos sin B, ये अपनी वैल्यू आ गई भाई,
और ऐसे मत सोचना भाई, ये तो ये साइन दे रखा है प्लस में, ये वो आगे पीछे हो जाए, दो के इधर एक जुड़ू चाहे इधर एक जुड़ू, होना तो भाई तीन ही है, इसी को इधर जुड़ दो चाहे इधर जुड़ दो, तीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन लोग यहाँ का भाग रहे हैं। तो देखो भाई अब यहाँ पर के पास में क्या आ गया भाई, देख मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई कि कॉस साइन ए स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर बटे में आ गया भाई माइनस नीचे साइन ए माइनस कॉस ए आ गया। ये पहले अपनी आ गई, तो इसको कैसे करना भाई देख कि अपन ए की पावर दो होता है बी की पावर दो होता है, इसको खोलते तो भाई एक बार प्लस में आ जाता है, एक बार क्या माइनस में आ जाता है भाई। तो इसी प्रकार अपन इसको खोलते हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए बटे क्या लिखा भाई साइन ए माइनस कॉस ए, तो माइनस से ये माइनस गया तो क्या बचा भाई अपना साइन ए प्लस कॉस ए बचा। और ये तो दोस्तों अपन आंसर चाहिए और अपना ये आंसर। अब बताओ इसमें कहाँ गलती होगी, तुम पे यार इतना सा लघुत्तम लेने नहीं आया कि एक इतना सा जो लघुत्तम लेना था वो भी लघुत्तम तुम पे नहीं लिया हुआ था, तो क्या कर सकते हो भाई, ऐसे काम चलने वाला नहीं है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई। आज के लिए ये क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, और दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तुम्हारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कुछ कमी हो और कुछ क्वेश्चन पुटअप करना हो तो हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए भाई कि ये वाला क्वेश्चन बताओ दोबारा सर, तो हम वो क्वेश्चन को हम सर आपको दोबारा बता दिया जाएगा। इसलिए भाई ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, आपके लिए ही बनाया जा रहा है, अदरवाइज हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई पैसे के लिए वीडियो बना रहा, पैसे के लिए मूल उद्देश्य हमारा ये है कि जो लोग गांव के लोग हैं, जो गांवों में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके पास क्या है, बड़े वाले फोन थे नहीं एंड्रॉइड, लेकिन छोटे बड़े भैया के पास तो हो सकता है, तो उसके माध्यम से वो ये यूट्यूब पर देख सकता है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में भाई कोरोना की वजह से कोई क्लास नहीं चल पाए और इसको फूटने का कोई आधार नहीं दिख रहे भाई, अपने भविष्य को कोई खड्डा में थोड़ी डालना चाहता है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं कि भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता, सभी स्टूडेंट पढ़ना चाहते क्योंकि अब पढ़ाई से भाई सब चाहते कि पढ़ाई हो, अब मस्ती करते करते बोर हो गया स्टूडेंट भाई, पिछले छः महीने से मस्ती कर रहे तो वो बोर हो गए, अब कहाँ तक मस्ती करे, एक दिन तो ऐसा आता है कि पढ़ने में मन करता है, तो इसलिए भाई आपके लिए तो वीडियो बना रही है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी आपके दोस्त उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर फेसबुक पर शेयर कर दो और हमारे इस चैनल को, और इसके जस्ट आने वाली क्लास कौन सी होगी, साइंस की भाई, ये मैथ की क्लास है दसवीं की, अब साइंस की क्लास चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, जय भीम जय भारत।